दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? बिहार एसएससी को लेके जो डेट निर्धारित किया था आयोग ने खुद, और कल अखबार के माध्यम से सिवान में जितने सेंटर अलॉट किए जाने वाले हैं कि 26-27 को लेके एग्जाम की तैयारियां जोर शोरों से चल रही है, उसको लेके काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया, काफ़ी न्यूज़ भी हुए उसमें। मैंने भी एक वीडियो बनाया था। उसके बाद भी उस दिन ही कल ही मतलब काफ़ी ऐसे न्यूज़ बाहर आने लगे जिसमें कि ये कहा कि गारंटी है डेट बढ़ेगा, कंफर्म है 15 दिसंबर 16 दिसंबर को। तो एक चीज़ दे मान के चलिए कि जब तक आयोग कुछ क्लियर नहीं करता है तब तक आप 100% ये रहिए कि 26-27 को होगा, क्योंकि यदि एक जिला में सेंटर अलॉट होता है तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देख के भी होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एक एग्ज़ाम नहीं है, टीचर हैं कि नहीं, टीचर को पहले से फिक्स किया जाता है, पेपर प्रिंट कराना होता है, जिला अलॉटमेंट के अलावा जिला में कोई स्पेसिफिक काम है कि नहीं, वो सेंटर खाली है कि नहीं, स्कूल का एग्ज़ाम है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको लेके एक सेंटर को अलॉट किया जाता है। तो जब ऐसा काम होता है तो लगता है कि हाँ ये जगह फिक्स हो गई है। तो ये मान के चलिए कि जब तक नोटिस नहीं देता है आयोग तब तक आप 26-27 ही मान के चलिए। अभी देखिए लगातार फेस्टिवल चल रहा था, छठ अभी खत्म हुआ है, उसके बाद 4-5 आज फ्राइडे है, हो सकता है सैटरडे संडे मंडे को अगर न्यूज़ ये होता है तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं। जैसे अब 14 तक 15-16 तक कुछ नहीं आता है तो एक नोटिस जरूर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम या तो बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि आयोग ने जब बहुत पहले ही 26-27 को समय निर्धारित कर दिया है तो उसकी तैयारियों में लगी हुई होगी। बताना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि वो मतलब ये हम लोग डेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं, आयोग ने नोटिस दिया था कि हम लोग करेंगे और जब उसको हटाना होगा तो वो लास्ट में बताएगा या फिर एडमिट कार्ड अपने शेड्यूल टाइम से दे देगा और एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। उसके पास तैयारियों के लिए लंबा समय है, क्योंकि उसको उसने अपना ये फिक्स कर दिया है कि हमको 26 नवंबर 27 नवंबर कराना है। किसी भी रीजन से यदि 15 दिसंबर 16 दिसंबर को होता है एग्ज़ाम तो उसमें आपको 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। देखिए ये बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को आप लोग जितना हल्के में ले रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मत लीजिए। सब इंस्पेक्टर से भी इसका ग्रेड पे ऊपर है, ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो हैं, सब इंस्पेक्टर से बिहार एस बीपीएससी की नौकरी लेनी इतनी आसान है नहीं जो लग रहा है कि ये कर लेंगे। बिहार एसएससी से बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बिहार में आगे जॉब के लिए, बहुत सबसे बढ़िया सिविल जॉब है और उसके बाद लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं, एकदम नहीं मिलेगा। तो ये जो मतलब टंट्रम है कि नहीं होगा उतना दिन, तो आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन बचा के कुछ नहीं कीजिएगा। एक रैकेट भी चलता है कि मतलब लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए, तो इसमें मत पड़िए। देखिए जिनको रिजल्ट लेना है उनके लिए और बेहतर हो जाएगा कि 15 दिन 20 दिन डेट बढ़ गया है, लेकिन जो लोग बस डेट बढ़ाने की एडमिट कार्ड आई तबे पढ़ब वाला जो प्रवृत्ति है पहले चलती थी अब बदल लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना हार्ड हो गया है ना कि आप कहाँ जाके, और उसके बाद सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं, तो जो मतलब सबसे क्रीम बच्चे रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हम लोग तो जैसे तैसे मान लीजिए हो गया सिलेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन अभी के टाइम में कंपटीशन दिनों दिन हार्ड होते जा रहा है, सब लोग लगातार मेहनत कराते रहते हैं, हम लोग भी करवा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे इतने ज़्यादा स्कोर करते हैं फिर भी सिलेक्शन से हो जाते हैं। तो एकदम डरिए कि हाँ कभी भी होगा एग्ज़ाम, हम उसके लिए तैयार हैं। अब बिहार एसएससी में जो प्रश्नों का उसको एक एक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में। हम लोग जैसे फुल सेट चलाते हैं तो उसमें आज रीजनिंग पे बात हो रही थी, रीजनिंग में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं, 50 प्रश्न इससे आते हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मैं अभी लास्ट में कहूँगा यही कि आप रीजनिंग और मैथ साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जीके जीएस के लूसेंट की पुस्तक पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, अभी भी बहुत समय है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8-10 है, इसमें से 35-36 इसी टॉपिक से आते हैं। अब कोई स्पेसिफिक बुक से यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करिए, अदरवाइज यदि आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर सेट मार रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा। 8-10 टॉपिक से मिलकर आप 35-36 कर लेंगे और टोटल 45+ आप स्कोर रखेंगे तभी आपका प्री में होगा। और ये प्री नहीं है, ये मेंस है, मतलब ज़्यादा मेहनत होता है ना, ये वाला मेहनत है, आप इस मेहनत कर दीजिएगा तो मेंस में जाके आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारा भीड़ छट जाएगा। तो चलिए फटाफट इसमें कुछ टॉपिक है मैं बात कर लेता हूँ, आप इसको एकदम 100% देख लीजिएगा। देखिए जैसे 5 से 6 प्रश्न ऐसे आते हैं जो क्रम में लुप्त होते हैं, सबसे बेसिक जैसे ए डी आई के, उसके बाद अगला क्या होगा, 198, 202, 211, 227 ऐसे करके रहेगा, इसमें अगला क्या होगा, ये ऐसे 5 से 6 प्रश्न आते हैं। अब अगला एक है कौन विषम है, इनमें सबसे अलग कौन है, जैसे 3 नदी का नाम रहेगा, 1 झील का नाम रहेगा तो उसमें से वो झील अलग हो जाएगा, 4 जानवर के नाम रहेंगे, 1 पक्षी का नाम रहेगा, 4 पुस्तकों, 1 स्पेसिफिक
तीन स्पेसिफिक राइटर के बुक का नाम रहेगा, एक अलग वाले का रहेगा, तो उसमें से आपको पहचानना है। पांच पिछले वाले में पांच छह ऐसे प्रश्न आते हैं, एक एनालॉजी वाला जो एनालॉजी वाला प्रश्न आता है, दो दो जैसे ए बी जेड वाई से वैसे ही रिलेटेड है, तो सी डी का एक से संबंध क्या होगा, जैसे भेड़ का मटन से संबंध है तो हिरण का क्या संबंध होगा, ये भी पांच छह प्रश्न आते हैं और बहुत आसान बहुत मजेदार प्रश्न होता है। इसको आप प्रैक्टिस सेट में जब बना रहे हैं तो इस पर फोकस कीजिए। यहाँ से पांच पांच तीन सेगमेंट मैंने बना दिए, इसमें पांच पांच प्रश्न, चार चार प्रश्न, छह छह प्रश्न होता है ना। देखिए जैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ त्रिभुज, तो बेसिक लोग मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, पहले जब हम लोग थे तो ट्रिक से याद करते थे उसको, आप ट्रिक सीख लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ त्रिभुज हर में आता एक प्रश्न आना ही है और उसके लिए कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं। और यहाँ जो लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं वो एक दो तीन चार ऐसे करके गिनते हैं, तो समय की कमी हो सकती है, गलत हो सकता है, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। विपरीत पृष्ठ वाला होता है, जैसे इसमें है लाल, इसके पीछे है नीला, तो यहाँ पीला है, तो इसको जब हम पलटेंगे तो कैसा होगा, ये वाला भी एक प्रश्न आता है, यानी डाइस वाले टाइप टाइप का होता है, इसको एक कर लीजिए। और जैसे एक होता है तीन सर्कल होते हैं, उसमें एक लिखा रहता है भारतीय है, एक बंगाली है, एक मुस्लिम है, तो इसमें एक कंबाइंड जो इंटरसेक्शन होता है या यूनियन होता है, इसमें कौन होगा वो डेटा के हिसाब से, तो ऐसा वाला प्रश्न पढ़िएगा। वक्तव्य और निष्कर्ष वाले प्रश्न पढ़िएगा, इसमें दो या तीन आते हैं, इसके लिए आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे इसके शॉर्टकट पढ़े हुए हैं, इसको सीखने के तरीकों को, तो उसको पढ़ लीजिएगा। गोला वाला मैंने बता दिया कि इसमें कौन, जैसे भारत है, महिला है, स्पोर्ट्स है, तो उसको सबसे बेहतर कौन सा गोला दर्शाएगा, एक गोले के अंदर दो हैं बाहर है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। और एक होता है प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, चार प्रश्न आएंगे ऐसे, प्रश्न बहुत सारे पहले नवोदय में आते थे, एसएससी जीडी में आता है, सीएचएसएल में भी खूब आता है ये वाला प्रश्न, आपको कम से कम चार प्रश्न पूछेंगे। अगला जो एक सबसे कॉमन प्रश्न है रहता है ए बी सी डी, उसके बाद फिर ए बी सी डी ई ए, फिर उसके बाद ए बी सी डी डी डी, तो उसमें कुछ प्रश्न पूछता है कि इसमें खाली जगह पे क्या होगा, वो आप देख लीजिएगा। ट्रिक्स के माध्यम से इसको मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि आप ट्रिक के माध्यम से इसको सीख लीजिएगा, वैसे तो नॉर्मल तरीके से बन जाता है, ट्रिक देख लीजिएगा। अब इसमें होता है कि ए क्यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बीच में, और बहुत सारा दिया रहेगा, कितने डब्ल्यू हैं जो सीधे पी के पहले और डब्ल्यू के बाद आते हैं, एक दो तीन, ए वाला भी देख लीजिएगा, एक प्रश्न आता है। डेट वाला आप देख लीजिएगा, डेट इस डेट को कौन सा दिन था, या फिर शनिवार के पहले सोमवार को मंगलवार था तो आज के दूसरे दिन कौन सा दिन होगा, ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, ये आएगा, है ना। कोड वाला प्रश्न इसके जगह वाला जो मैं शुरू में मैंने बताया था ये आएगा, तो ये मिला जुला के टॉपिक आप जो मैंने बता दिया है इसमें से यदि आप करते हैं तो 35 प्रश्न आपके सही होंगे। इस टाइप के टॉपिक पे आप फोकस करिए। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप इंडिविजुअल सेट लगाते हैं, यदि ऐसे सी का सीजीएल वगैरह का जिसमें 50 प्रश्न आते थे, तो आपको फोकस करना है कि मेरा 45 आ रहा है कि नहीं, तभी रिजल्ट होगा। और इसके लिए बेहतर टाइम है रीजनिंग में, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मज़ा भी आता है और उतना टाइम लगता नहीं, और सही होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। एग्जाम अभी 25-26-27 नवंबर को मान के चलिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ही टाइम मिल रहा है भगवान का, यदि ये है कि आपको टाइम मिल जाता है, नहीं भी होता है तो और रगड़ के पढ़िए, इससे बेहतर जॉब नहीं आएगा। ये है एक में, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ भी हम लेके आएंगे जो मतलब एकदम निडी है, ज़रूरतमंद ज़रूरत होता है लेकिन बना नहीं पाते एकदम हर समय, तो उसके लिए छोटे छोटे ये लेके आएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बेनिफिट हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।